गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड सब्जेक्ट जीके स्टैंडर्ड 3 लेसन नंबर 2 आवर ग्रीन फ्रेंड्स। हमारे जो ग्रीन फ्रेंड्स हैं वो कौन से होते हैं? यू कैन सी द पिक्चर। ग्रीन फ्रेंड्स हमारे जो ये छोटे छोटे प्लांट्स और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो होते हैं। ये पूरे 6
लेसन नंबर वन में लिख रहे हैं, ठीक है, नोटबुक में, नोटबुक की बात कर, टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी डन है, नोटबुक में हमें ये पूरे सिक्स लिखने हैं। देन लेसन नंबर टू में हमें ये जो आंसर लिखे हैं, जो मैंने इस तरह से यहाँ लिख दिए हैं एस हार्ड वर्ड, ये आपको एल को लिखना है नोटबुक में और इस तरह से हमें ये नोटबुक में लिख देना है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रीड एन डबल ईयर मीन, सेकेंड वन इज आई डबल बी आर रबर प्लांट, थर्ड वन इज कॉटन प्लांट सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन, देन फोर्थ वन इज डब्ल्यू एच ए टी बी, फिफ्थ वन इज एस यू एन एस एल ओ डब्ल्यू ई आर सन फ्लावर, सिक्स एन यू एस एच आर डबल ओ एन मशरूम, राइट, सेवन सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट, देन एट इज एस यू जी ए आर सी ए एन ई सुगर कैन। राइट डाउन दिस वर्ड इन योर नोटबुक। इंपॉर्टेंट प्लांट, यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कुछ
टेबल बैट और क्रिकेट बैट बनाने में भी मेरा यूज करते हैं, दैट इज वुड। आई थॉट आपने ये लिख लिया होगा लेसन नंबर वन का, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट, सॉरी लेसन नंबर टू पे आपने लिख लिया होंगे, तो हमें थ्री का वर्ड्स जो है हमारे वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रही हूँ और इसे हम निकाल देते हैं और आपके नंबर कर देते हैं। फर्स्ट आंसर इज पी ई आर एफ एन ई परफ्यूम, एंड सेकेंड आंसर इज डब्ल्यू डबल ओ डी वुड। ओके यू यूज मी, थर्ड क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, यू यूज मी टू मेक क्लॉथ टू वियर ऑन हॉट समर डेज, आप यूज करते हैं गर्मी के लिए जो क्लोथ बनते हैं वो पहनने के लिए, तो वो क्या चीज है, दैट इज कॉल्ड कॉटन। सो यू हैव टू राइट योर आंसर इन सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन। आप वो नोटबुक में लिखेंगे जो मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, और यहाँ पर भी आंसर का फिल इन द ब्लैंक्स में लिखते जाएंगे। स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, आई मेक द व्हील्स ऑफ कार्स एंड हेल्प देम टू मूव, वो कार्स के व्हील बनता है जिससे, मैं वो हूँ जिससे कार के व्हील बनते हैं और कार उससे मूव हो सकती है, तो वो क्या है, यस दैट इज रबर। Is cool.